नमस्कार शुभ संध्या संस्कृत शिक्षणे सर्वेश स्वागत अद्य वयम एन सी सेमुसी पुस्तक आधार कृत्वा दशम श्रेणी दशम पाठ भूकंप इति विषय आलोचना कूम भूकंप विभीषिका विषय वह चतुर्षु भागेशु विभक्त प्रथम विभाग त्रेम विशय अस्ति चतुर्थ विभागे अभ्यास है अस्ति अतः इदानीम बैम केवलम प्रथम भागम आलोचनम कुर्मा ये खिलौना त्रा नूतन सदस्य हा ते चैनल सब्सक्राइब करुवंतु यदि अस्माकम एतद् शिक्षण काव्यलम रुचिकरम भवति रही लाइक अभी करुवंतु शो मतम प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ अपनी स्थापय तो इधानीम प्रारंभम कुरहा तो यहाँ पर मैं बच्चों की सुविधा के लिए हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बोलूंगा तो एन की तरफ से जो बुक प्रकाशित होती है उसी बुक का सेमुसी इस बुक का नाम है सेमुसी पुस्तक उस सेमुसी पुस्तक का दसम पाठ जो है दसम विषय जो है वो है भूकंप विभीषिका और आज हम भूकंप विभीषिका का, का प्रथम भाग को आलोचना करेंगे तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भूकंप विभीषी का प्रथम भाग तो इस टॉपिक में हम किन विषयों पर अभी डिस्कशन करेंगे तो पहले तो है यहाँ पर सूची पत्र में देखते हैं कौन सी विषय है सूची पत्र कि सूची पत्र विषय अस्त संपूर्ण भूकंप विभीसी का विषय अत्र अस्ती पुनः शब्दार्थ अस्ति शब्दार्थ का मतलब है कि जो भी कष्ट संस्कृत शब्द है उसका अर्थ सरल संस्कृत में यहाँ पर भी उपलब्ध है अग्रे अस्ति संधि विषय संधि विच्छेद कृत्वापि अत्र लिखितम अस्ति संधि विच्छेद करके भी यहाँ कर पर उसी के पास में ही उसे लिख दिया गया है आगे है रचना वाक्य कैसे रचना करना है वो विषय भी, भी यहाँ पर बताया गया है प्रकृति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है विलोम शब्द विलोम शब्द विषय अभी अत्र लिखित अस्त अन्ते प्रश्न निर्माण कथम प्रश्न निर्माण करनीय कैसे प्रश्नों का निर्माण करना है उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का विषय भूकंप विभीषिका प्रथम भाग प्रस्तुत अय पाठ प्रकोपेशु संभावमकोपेशतम भूकंप सेभीषिक्योत पुनः एक बार पठा सर्वे ध्यान पश्यंतु प्रस्तुतः भु, प्रस्तुत अय पाठ अस्मा वातावरण संभाव्यम प्रकोप प्रकोपेश भ्रू भूकंप सेभीषि द्योत यहाँ पर एक है अयम, प्रस्तुतो प्रस्तुत अय प्रस्तुत प्रस्तुत अय पाठ यहाँ पर दिया गया विषय अस्माकतावरण संभाव्यम प्रकोपेशु हमारे परिवेश में जो भी समस्या आती है या अब हमारे वातावरण में जो भी प्रकोप जैसे बोल सकते हैं प्रकोप आता है उसमें उन, उन उनमें से अन्यतम दूसरा चीज क्या है कि भूकंप है हमारे इस संसार में हमारे इस परिवेश में हमारे इस पर्यावरण में जो कुछ भी प्रकोप देखने को मिलता है प्रकृति का प्रकोप हमें देखने को मिलता है उनमें से एक है भूकंप प्रकृत जायम आपात भयावहप्रलयं समुत्पाद्य मानवजीवनं सन्त्रासयन्ति ताभिः प्राणीनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजायते। पुनः एकवारं पश्यन्तु प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावहः प्रलयं समुत्पाद्य मानवजीवनं सन्त्रासयन्ति ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं सञ्जायते कौन कौच क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृत्यो प्रकृतो जायमान आपद प्रकृतो प्रकृति से सृष्टि होने वाले आपदा का मतलब विपत्त या समस्या भयावह प्रलय समुत्पाद्य भयावह प्रलय को सृष्टि करके मानव जीवन संतरासयंती मानव की जीवन को समस्या में डाल देती है त्राभी ताभी प्राणीनम सुखमयम जीवनम दुखमयम संजायते और उसी से ही उन सारी समस्याओं से ही प्राणियों की जीवन जो होती है वो सुख से दुख की तरफ चली जाती है सुख से दुख की तरफ परिवर्तन हो जाता है यहाँ पर एक संधि है देख लो समुत्पाद्य समयुक्त उत्पाद्य आपद अर्थम भवती विपद समस्यायुक्त आपद अर्थम समस्या समस्यायुक्त विपद विलोम शब्द अस्त सुखमयम विलोम शब्द दुखमय सुख विलोम दुख तथा सुखम दुखमय अग्रेद पशा एतासु प्रमुख सी झंझावात भूकंपन जलोपल्लव अतिवृष्टि अनावृष्टि शीलास्खलन तो एतासु प्रमुखा सी ये सारे समस्याओं से क्या क्या अलग अलग है उनमें अलग अलग क्या आते हैं झंझावात आता है झंझावात इतनी उष्ण वायु यदा प्रवहति यदा उष्ण वायु प्रवहति तदा किं वदन्ति संस्कृत भाषाया झंझावात भूकंपन 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 विषय इधान पढ़ा भूकंप विषय में अभी अभी तो यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे जलोपल्लव अतिवृष्टि अतिवृष्टि का मतलब है कि ज़्यादा बारिश होना अनावृष्टि बारिश नहीं होना शिलास्खलन शिलास्खलन का मतलब होती है कि भूस्खलनम जैसे कि शिलास्खलनम का हम ज्यादातर उदाहरण उत्तराखंड या हिमाचल में देखने को मिलता है भूमिधारण ज्वाला और ज्वाला ये सब चीज क्या है कि हमारे प्रकृति में दिखाई देने वाले कुछ दुर्विपाक बोल सकते हैं या समस्या बोल सकते हैं जो अपने आप ही हो जाता है अत्र पाठे भूकंप से विषय चिंतनम विहित यत यतकाले विपन्ना त्यक्त साहस युत दारुण विभीषिकया संरक्षिता भवामः फिर से एक बार पढ़ लेता पढ़ लेता हूँ ठीक से एक बार देख लो अठे भूकंप से चिंतन विहीत ये आपतका विपन्ना त्यक्त साहस यु चेत दारुण विभीष सुरक्षित भवाम यहाँ पर यही बोला गया है यदि अत्र पाठे अस्मिन विषये अर्थात अत्र पाठन यही विषय इसी विषय में यही बोला गया है भूकंप विषय चिंतनम इस विषय के माध्यम हम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि कि भूकंप विषय में हम थोड़ा कुछ जान सकते हैं चिंतन कर सकते हैं यत आपतकाले आपत का मतलब होता है कि समस्या जब आती है जब समस्या हो रही है जब इस तरह की समय आ रही है मतलब भूकंप की समय आ रही है विपन्नानम त्यक्त्वा विपण का समस्या को बिना डर के न यत्नम करमह साहस के साथ हिम्मत के साथ हम काम लेंगे चित दारुण विभिषकया सुरक्षिता भवामहा यदि ऐसी समस्या आने पर अगर हम क्या करते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए साहस के साथ अगर आगे निकल आते हैं बिना घबराहट के तो हिम्मत के साथ अगर बिना घबराहट के अगर हम आगे चले आते हैं तो हम जरूर सुरक्षित हो सकते हैं ये हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ संधि दिया गया है देखो कि जैसे त्यक्त्वा ये तो प्रकृति प्रत्यय है त्यागम कृत्वा त्यज युक्त त्यक्वा यत्नम अर्थात प्रयास न अर्थवा प्रयासम आपत काले अर्थात अशुविधा समय समस्या युक्त समय जैसे आगे है पर्याकुलम पर्याकुलम का मतलब है अति व्याकुलम विपर्यस्तम अस्तव्यस्तम अभी आगे देखते हैं इधम वे पशा भारतवर्षे भूकंप से एक दारुण विभीषिका भारत में अभी कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे तो देखिए एकोत्तरसहस्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वाणी यदा समग्रम अपि भारतराष्ट्र नृत्य गीतवादिरा उल्लासे मग्नम आसित तदा कस्मात कस्मा गुर्जरराज्य पर्याकुम विपर्य क्रंदन क्रंदन विकल विपन्न चात एक पढ़ रहा हूँ पुनः एक पढ़ा फिर से पढ़ रहा हूं। सारे बच्चे फिर से एक बार देख लो एक सहस ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 हजार ख्रीष्टाब्द में 2001 साल में गणतंत्र दिवस पर्वाणी यदा समग्रम भारत राष्ट्रम जिस समय उस दिन क्या था वो दिन क्या था 2001 महीना और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी तो उस 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश हमारा पूरा भारत देश क्या कर रहा था नाच गाने में उल्लास रहा था मग्न था मग्न आसित तथा अकस्मात एवं गुर्जर राज्यम और उसी समय अकस्मात का मतलब कोई तत्क्षण कोई एक समय निर्धारित नहीं था अचानक क्या हो गया गुर्जर गुर्जर राज्यम संपूर्ण गुर्जर राज्य गुर्जर का मतलब है गुजरात गुजरात राज्य में पर्याकुलम विपर्यस्तम संपूर्ण जिस समय क्या हुआ था कि संपूर्ण भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा था आनंद से बिल्कुल उसी समय ही गुजरात नगर में गुजरात देश के क्या हो रहा है अकस्मात गुर्जर राज्य परियाकुलम परियाकुलम पर्याकुलम का मतलब पहले से मैं बता दिया था अति व्याकुलम व्याकुल और अस्त व्यस्त हो गया अत्यंत व्याकुल हुआ के लोग हो गए अत्यंत दुखित हो गए और में हो अलग -अलग हो साथ में क्या हो गए अस्त व्यस्त अलग अलग भी हो गए वो लोग क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम साथ में क्या हुए वहां पर लोग जो थे वो रोने लग रहे थे रोने लग रहे थे और साथ में क्या कर रहे थे पन नमच जाता और साथ में दरिद्र भी हो गए मतलब समस्या में आगे तो क्या बोल रहे कि साल 2001 में जब पूरा भारत देश क्या कर रहा था गणतंत्र दिवस में खुशी में नाच गाना में मशहूर था एंजॉय कर रहा था बिल्कुल उसी समय ही गुजरात राज्य में क्या हो रहा है कि कहीं पर एक जगह पर अकस्मात अकस्मात का मतलब उसी क्षण अचानक क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो अचानक समस्या में आ गए जहाँ पर भूस्खलन हो गया भूकंप भुक, आ गया और जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग विपर्यस्त हो गए रोने लगे और विपन्न भी हो गए तो यहाँ पर संधि जो है उसे देख लो समग्रम जुक्त अपी समग्रम अभी मग्नम जुक्त आसीत तदा जुक्त अकस्मात जुक्त एव जुक्ता आकुलं। जुक्ता तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर के जो शब्द है वो सारे संधि युक्त शब्द है तो इन सारी चीजों को आप आपके नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं अभी आगे देखते हैं भूकंप से दारुण का समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्र विशेषेण कछप जनपद तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भूकंप से दारुण विभीषिका भूकंप का जो था दारुण था भूकंप का जो दारुण विभिषिका था जो भयानक हिस्सा था समस्तम गुर्जर क्षेत्र विशेषण समग्र मतलब होते पूरा गुर्जर क्षेत्र गुर्जर का मतलब होता है गुजरात क्षेत्र को गुजरात प्रदेश को विशेषण कच्छ जनपदम और मुख्य पर और मुख्य तौर पर किस जनपद जनपद का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला तो जो भूकंप आया था उस वो ज्यादातर किसको हानि पहुंचाया कच्छ जनपदम कच्छ नामक का जो डिस्ट्रिक्ट था जो जिला था उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया कच्छ जनपद परिवर्तित वती। जो भूकंप का भूकंप का जो दारुण बीबीसी था जो भूकंप का भयानक हिस्सा था वह समग्र गुर्जर क्षेत्र अर्थात गुजरात क्षेत्र और साथ में उसका केंद्र स्थल जो था जो उसका मुख्य स्थान था कच्छ जनपद अर्थात कच्छ डिस्टिर था उसे संपूर्ण रूप से ध्वंस कर दिया भूकंप से केंद्रभूतम भुजनगरम तो मूर्ति का क्रीडनकम इब खंडम खंडम जातम तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भूकंप से और भूकंप भूकंप का जो केंद्र बिंदु था जो मुख्य स्थान था जो जिसका नाम है भुजनगरम फिर से एक बार याद कर लो स्थान का नाम क्या है भुजनगरम तो मृत मृतिका क्रीडनकम इव खंडम खंडम जातम वो जगह क्या हो गया मृत्ति का मृत्ति का क्रीडनकम अर्थात मिट्टी का खिलौना जैसा वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो देखो यहाँ पर जो कष्ट शब्द है कच्छ जनपदम अर्थात कच्छ डिस्ट्रिक्ट है एक और यहाँ पर ये यह जो चित्र में भी दिखाया गया है ये है गुजरात राज्य और वहाँ का जो हिस्सा दिखाया गया है वो है कच्छ जनपद अर्थात कच्छ डिस्ट्रिक्ट और साथ में वो भारत की मैप में भी वो चीज को दिखाया गया है ब्लैक कलर का जो है वो है गुजरात राज्य और ये है गुजरात राज्य संपूर्ण रूप से जो येलो कलर का है वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि भूकंप जिस स्थान पे ज्यादातर दिखाई दिया था तो अभी आले आगे देखते हैं परिवर्तित अर्थात परिवर्तन कृतवती व परिवर्तन अभवत केंद्रभूतम अर्थात मूल स्थानम समस्तम समग्रम अभी जो यहाँ पर संधि है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं समस्तम अपि, समस्तम युक्त अपि क्रीडनकम ईब मृत्ति के क्रीडनक ईब है तो उसका संधि विच्छेद क्या होता है जुक्त अवशेषेशु उसी तरह एक और शब्द है जो कि प्रकृति परिवर्तितवती परिजुक्त ब्रुत जुक्त परिजुक्तृतुक्त जुक्त गिप तो ये है सारे विषय जो है जो कि कच्छ जनपद है और कच्छ जनपद का मतलब होता है कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट है तो आशा कर तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आगे देखेंगे बहुभूमिका भवना क्षणेन एवं धराशायी जाता नहीं उत्खाता विद्युत स्तंभा विद्युत दीप स्तंभा बिछिना गृह सोपान मार्ग फालद्व विभक्ता भूमि तो क्या बोल रहा है कि यहाँ तो तो पर बहु भूमिका नि भवना भवनानी क्षणिन एव धराशाई नि जाता नहीं जो बड़े बड़े इमारत थे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे जो अपार्टमेंट थे वो एक ही क्षण में एक ही सेकंड में धराशाई नि जाता नहीं धरा का मतलब भूमि में ही गिर पड़े जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे जो बड़े बड़े अपार्टमेंट थे या घर थे वो सारे घर क्या हो गया कुछ ही क्षण में क्षण का मतलब होता है सेकेंड कुछ सेकंड में ही क्या हो गया वो टूट पड़े भूमि में ही गिर गए उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा बिछिन्ना गृह सोपान मार्ग फाल विभक्ता भूमि तो उत्खाता विद्युत दीप स्तंभ निकल पड़ा निकल आया वो जो विद्युत दीप का मतलब हो जाए स्ट्रीट लाइट जो होता है वो लाइट का भी क्या हो गया स्ट्रीट लाइट में जो जिस खंभ में वो होता है वो भी क्या हो गया निकल आया वो भी टूट गया विद्युत दीप स्तंभ जो है वो भी टूट गया विस्सीना गृह सोपान मार्ग आ का मतलब है नष्ट हो गया क्या नष्ट हो गया गृह सोपान मार्ग घर में जाने आने के के लिए जाने आने के लिए जो रोड था वो भी क्या हो गया नष्ट हो गया फाल विभक्ता भूमि और जो भूमि था वो क्या हो गया दो हिस्सों में और दो हिस्सों में उसका टुकड़ा दो हो गया यहाँ पर देख लो बहुभूमिकानी भवनानी विशालकाय भवनानी उत्खाता उत्पीट उत्पाटिता निकलाया बिस्सिन्ना नष्टा फालद्वय खंडद्वय तो ये सारे जो हार्ड वर्ड्स थे उसका अर्थ है तो आगे देखते हैं संधि विच्छेद क्षण नैब क्षण जुक्त एव क्षण नैब बिस्सिन्ना बी जुक्त श्रु जुक्त तुक्त ता, टाप तो यह प्रकृति प्रत्यय था तो अभी आगे देखते हैं भूमि गर्भात उपरी निसरती दुर्बार जलधारा महासु महा प्लावन महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर जो है जगह स आ गया है भूमि गर्भात भूमिगर्भात दुर्बार जलधारा भी महाप्लावनम दृश्यम उपस्थापित तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर सहर्षा अर्चित प्राणी नण मृता भूमिगर्भासरती भी भूमि से ऊपर आ गया नि मतलब निकल कर आ गया निस्सर भी दुर्बार जलराशि भी ही। और जो क्या था दुखे न जो गर्म पानी हम बोल सकते हैं तो दुखे न निवारितुम योग्यम दुर्बार का मतलब है निवार योग्यम निवारित योग्यम जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थापितम और साथ में क्या हुआ जो भूमि के अंदर जो होती है गर्म पानी जिसे हम आग्ने बोलते हैं वो भी आग्ने का भी पानी क्या हो गया बाहर निकल कर आ गया और साथ में महाप्लावन दृश्य उपस्थितम और महाप्रलय का दृश्य भी वहां पर उपस्थित हो गया तो मोटे तौर पर यहाँ पर क्या बोल रहे के अंदर में जो पानी था में जो पानी होता है गर्म पानी होता है वो क्या होता है जिसे हम लाभा बोलते हैं वो क्या होता है कि बाहर निकल आया जिसके वजह से महाप्रलय वहां पर उपस्थित हो गया सहस्राम प्राणी न तो क्षण एवं मृतः हजारों संख्या की हजार हजार प्राणी कुछ ही क्षण में मृत्युवरण करने लगे दुर्बार निवारित महाप्लावन का मतलब है विशाण बाढ़ बाड़ का मतलब बाढ़ जैसे बोलते हैं बात्या बोलते हैं उसी तरह बाढ़ उपरी यहाँ पर बाक्य गठने मंदिर से उपरी ध्वज अस्ती सत्यम में जयते संधि विच्छेद को अभी देखते हैं भूमिगर्भात युक्त उपरी भूमिगर्दरी प्राणीन युक्त तो प्राणीन क्षण क्षण क्या यहाँ पर जो मिट्टी के अंदर जो पानी थे जो मिट्टी के अंदर जो लाभा था वो बाहर निकल कर चले आए जिसके वजह से हजारों संख्या के लोग मृत्युवरण करने लगे ध्वस्त भवन सुपीडिता सहस्र सहस्र सहस्य सहायता करुकुण क्रंदी स्म कंठा हा, मुरुत प्राया केचन शिशव तो ईश्वर कृपय एव दिव दिना जीवन धारितवत आसत भैरवभसी कच्छभूकंप से तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ध्वस्तव संपीडिता सहस्र अने सहायता करण कर्ण क्रंद स्म टूटे हुए भवन मतलब जिस जो जो बड़े बड़े इमारत थे जो बड़े घर थे उस सब सारे जब घर जब टूट गया उस समय सहस्र अन्य सहायता अर्थम हजारों संख्या के लोग सहायता सहायता मतलब होता है मदद के लिए करुणम करुणम क्रंदन तिस्मा तो ये बड़े बड़े इमारत के अंदर या बड़े बड़े घर के बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग रुक गए थे वो लोग क्या रोने लग रहे थे मदद मांग रहे थे हाँ, दैव हे भगवान ख्यूत क्षमक मृत प्राय केचन शिशव तु हे भगवान जो कुछ बच्चे थे वो भगवान की कृपा से मृत प्राय मतलब जो मौत के करीब थे उस तरह कुछ लोग भी थे या कुछ बच्चे थे जो कि भगवान की कृपा से द्वित्राणी दिनानी जीवन धारित बनता और वहां पर ऐसे भी कुछ बच्चे थे जो लोग भगवान की कृपा से दो तीन दिन ही जी सके इम आसित भैरव विभिषिका कच्छ भूकंप और ये था भैरव का मतलब भयानक आ, भयानक भूकंप था जो कि कच्छ जनपद में दिखाई दिया था तो ये था आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर जो संधि है उसे पहले देख लो सहायता जुक्तार्थम सहायता शिशव युक्त तो शिशवस्तु यम युक्त आसित इंमासी सहस्र युक्त अन्य सहस्ये बिल्कुल उसी तरह च्यूतक्षाम कंठ अर्था बहुबुभुखीतक भैरव धारण भयंकर विभिषा तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है भूकंप विभिषा प्रथम भाग अहम कृते सहायता भवति यदि अस्ति यदि बोधनम भवति अगर हमारा पढ़े पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है साथ में अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमें हमा, लाइक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में आपकी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में भी दीजिए धन्यवाद पुनः मिला आगामी कक्षाएं